लेकिन जब विक्की को इन सारी बातों का पता चलेगा लवलीन, तो हाउ विल ही रिएक्ट? ऐसा कुछ नहीं होगा कुणाल, विक्की और मैं हम दोनों आपकी इज्जत करेंगे हमेशा। तुम्हें एक और बात बतानी, उस दिन जब विक्की का फोन आया था वो तुम्हारे लिए था, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। इट्स ओके कुणाल, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। नमस्ते दीदी। तुमसे कितनी बार कहा है दीदी मत कहा करो। दीदी आप तो कल आने वाली थी ना। क्यों आज आ गई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं दीदी। चुप। जी दीदी। सोनल, सोनल, कहाँ हो तुम? हेलो, ये क्या बदतमीजी है? ये कहाँ का तरीका है सोनल को इस तरह से बुलाने का, किसी के घर में घुसाने का? ये किसी का भी घर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, I don't care। मुझे ये पता चला है कि सोनल को यहाँ लाया गया, कहाँ है वो? सोनल यहाँ खुद आई है, उसे आप कोई नहीं लाया है। एनीवेज तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? सोनल का पति राज हूँ मैं, सोनल मेरी बीवी है, बताओ कहाँ है वो? अच्छा तो तुम ही हो राज जिसकी बदतमीज लैंग्वेज और बेहुदा टोन वो सहन करती आ रही है? वो मेरी बात ही नहीं सुनती, मेरी मार भी खाती है, समझी तुम? Listen मिस्टर, अब तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है क्योंकि तुम आशु के साथ ऐसे पेश आ रहे हो। बकवास बंद करो, समझी तुम? बकवास बंद करो, बताओ कहाँ है? हाउ डेयर यू, निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा तो एक बात तुम भी सुन लो कि मैं अपनी बीवी को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो। अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बीवी अपने मायके आई है, तो ठीक है अब तुम आ ही गए हो तो अपने ससुराल वालों से भी मिल लो। जस्ट गिव मी अ मिनट, तुम यहाँ आराम से इत्मीनान से बैठे रहो, मैं जाती हूँ। जाओ जाओ, जहाँ जाना है। ए, ए, कहाँ जा रही तुम? नमस्ते दीदी। वॉचमैन तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? क्या हुआ दीदी? दीदी मत कहो, एक अनजान आदमी मेरे फ्लैट में घुसा है और तुम यहाँ बैठे हो? ये दीदी। Shut up, रजिस्टर दिखाओ। God, नाम भी गलत लिखा है। अच्छा ध्यान से सुनो, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ शादी की कंप्लेंट करने, तुम ये ध्यान रखना कि वो खिड़की से भाग ना पाए, समझे? ये दीदी। दीदी मत कहो। दीदी को क्या हो गया? हाँ मैं मिलूंगा। इंस्पेक्टर, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, एक मिनट क्या, एक सेकंड भी नहीं है मेरे पास। कौन है आप? आप ये मुझसे नहीं उससे पूछो जो मेरे घर में घुसकर बैठा है। हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, क्या आपके पति ने आपको घर से? देखिए, अगर पति होता तो मैं इसको कब का सबक सिखा चुकी होती। मेरे घर में एक चोर घुसा है, मैं उसे घर में बंद करके आई हूँ, अब चलिए मेरे साथ। आपका नाम क्या है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप चलिए तो मेरे साथ, मेरे घर में एक चोर है। ओके मैडम, चलो मैडम साहब चलिए, जल्दी चलिए। पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? उनके घर में कोई आदमी घुसा है, उनके बारे में पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने गई है। आइए इंस्पेक्टर, आइए। आशु, सोनल, क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम आ गई, राज तुम्हारे लिए पूछ रहा था। राज? हाँ बाबा, राज को मैंने अंदर फ्लैट में बंद करके रखा है, चलो जल्दी चलो। आशु तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। सोनल तुम अंदर चल रही हो, ओके? आइए इंस्पेक्टर। आइए इंस्पेक्टर, यही है वो आदमी, अरेस्ट हिम। What the hell is this? Hell और heaven, अब तुम्हें हवालात में नजर आएंगे। इंस्पेक्टर यही है वो आदमी जो जबरदस्ती मेरे घर में घुसा था। मैं किसी के घर जबरदस्ती नहीं घुसा, मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने आया था। इंस्पेक्टर साहब, she's Sonal, my wife. Sonal, चलो। Sonal कहीं नहीं जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आप इन्हें बता दीजिए कि मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी को कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये तुम्हारी भूल है, मर्जी तुम्हारी नहीं सोनल की होगी। इंस्पेक्टर ये इसे छोड़कर आई थी क्योंकि इसे मारता पीटता था और सोनल इसके साथ रहना नहीं चाहती। ये पति पत्नी का आपसी मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका क्या मतलब है? ये इसे इस तरह से मारता पीटता है, इसके साथ जबरदस्ती करता है और आप कुछ नहीं कर सकते?
आप इसे सोनल को यहाँ से जबरदस्ती ले जाने से रोक सकते हैं। एक मिनट मैडम, क्या ये सच कह रही है? सोनल, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें सच बता दो। हाँ इंस्पेक्टर, ये सच है, मैं इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती। और ये कंप्लेंट भी लॉन्च करना चाहती है। सही है। या। इंस्पेक्टर, अब आप इसे यहाँ से ले जाइए। हवलदार, ले चलो इसे। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप जो भी कहना है थाने में चलकर कहना। चलो सुनो, मेरी बात सुनो, जो कुछ तुम कह रहे हो अच्छा नहीं कह रहे हो। ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में आशु। अब तुम मेरा ही क्वेश्चन मुझसे मत छीनो। ये तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? ऐसे घटिया इंसान को तुम टॉलरेट भी कैसे कर सकती हो? मैं नहीं जानती। क्या नहीं जानती? तुम ये नहीं जानती कि इस इंसान के साथ तुम्हारी जिंदगी क्या बन गई है? इस तरह डर कर दब कर जीने का क्या मतलब है सोनल? तुम जैसी लड़कियों का डर ही मर्दों को शेर बनाता है। शेर तो शायद बहादुर भी होते हैं, पर इस तरह के मर्द गीदड़ हैं जो शेर की खाल में तुम जैसी लड़कियों का जीना हराम करते हैं। Ask yourself, सोनल, किस लिए ऐसे गिदड़ के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? जिंदगी इतनी छोटी, इतनी सस्ती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। You have the right to live your life the way you want to। और अगर वो तुम पर हाथ भी उठाता है तो उसे मोड़ कर रखने का पूरा हक है तुम्हें। एंड रिमेम्बर दैट। और फिर मैंने सोचा कि जब ये आदमी पहली बार मिलने पर इतनी बदतमीजी से पेश आ सकता है तो उसने सोनल के साथ क्या किया होगा। वो तो ये भी कह रहा था कि वो सोनल को मारता भी था। बस देन आई डिसाइडेड कि मैं ये आदमी को एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर तक याद रखेगा। बस मैंने उसे घर में लॉक किया, पुलिस को बुलाया और उसे अरेस्ट करवा दिया। अब तुम लोग ही बोलो, क्या मैंने कुछ गलत किया? बट सोनल डजंट अग्री टू दैट। ऐसी बात नहीं है सोनल, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अनुपम, सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है कि आई जस्ट कांट सीम टू कम टू टर्म्स विद इट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कम ऑन सोनल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही तो होता है ना? या आई गेस सो। और अब सोनल, जो मैं कहने जा रहा हूँ प्लीज मत कहना फास्ट हो रहा है। क्या? कल सुबह निमेश के साथ ब्रेकफास्ट अपॉइंटमेंट है। निमेश? निमेश तोलानी। अपनी डेट आज तो नहीं है ना? शट अप, आपकी सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई इसलिए मुझे अभी तो ड्यूटी पे जाना होगा ना। ओके गाइस, आई विल सी यू लेटर। ऑलराइट, बाय बाय बाय। यार विक्की, सुनो वो ओल्ड चाइनीज प्रोवर्ब सुना, ड्यूटी इज ड्यूटी एंड beauty is beauty. There goes our beauty for the duty. Oh. Hi Vicky, right on time, huh? Morning sir. Morning. Hi Sunil, how are you? Hi, good sir. I hope aap logon ne breakfast to nahi khaya. Nahi sir, aapke sath breakfast ka program jo tha. Good. But let me warn you, ye sirf ek breakfast ka treat nahi hai meri taraf se. Ye breakfast cum meeting hai. Meeting? अरे भाई इतना घबराओ मत, तुम दोनों के नए एल्बम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है मुझे। ऑफ कोर्स सर, बताइए। देखो विकी, एज अ म्यूजिक कंपनी हमारे कुछ पॉलिसीज हैं और एल्बम की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी हैं। कंसेप्ट लेवल पे हमारे लोग काम भी कर रहे हैं, म्यूजिक कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ काम चल रहा है। बट आई वॉन्ट टू नो योर आइडियाज, आपके पास कुछ आइडियाज होंगे? सर हमने तो अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, एक सपना था एल्बम निकालने का और वो इतनी जल्दी हकीकत बन जाएगा। सोनल, आप लोगों का सपना तो पूरा होगा, रिमेम्बर सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपना देखता है, और सपने ही सच होते हैं। बट आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग सम आइडियाज, मतलब गाने किस तरह के होने चाहिए वगैरह वगैरह। कम ऑन, स्टूपिड आइडियाज हैं सर। हां विके, नो आइडियाज स्टूपिड। ओके नाउ शूट। ओके सर। सर मैंने गाने लिखे हैं और धुने भी तैयार किए हैं सर। दैट्स गुड। मैं आपको सुना सकता हूँ? एनी टाइम सर। जब हम शायद वीडियोस बनाएंगे तो। व्हाट डू मीन शायद? हम पक्का वीडियोस बनाएंगे सर। मेरा एक दोस्त है अनुभव, सब प्रोफेशनल नहीं है सर, पर उसके वीडियोस कमाल के हैं सर। देखो कि जब तुम कह रहे हो तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कमाल का वीडियोस बनाता होगा। तो मैं तो पारखी की नजर है। थैंक यू सर। So let's go. Breakfast waiting. I'll make a 9 o'clock. बहुत अच्छा गाना है। Okay. Sonal, you have an amazing voice.
ये दोनों मेरे कंपनी के लिए एक एल्बम कर रहे हैं। As a matter of fact, मैं इनके लिए एल्बम कट कर रहा हूँ। Oh wow, congratulations to you, man. And इतने के बारे में आप जानते ही हैं। He's an upcoming star and an amazing actor. तेरे लिए फिल्म में काम कर रहे हैं ये? Of course, sir, सुना है। पिक्चर कंप्लीट हो गई? अभी नहीं, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने में ये सारे लोग लगे हुए हैं। हाँ, म्यूजिक सुना है, बहुत अच्छा है। Amazing music. गुड आइडिया, क्यों ना हम एक म्यूजिकल गेट टुगेदर रखें, मतलब तेरे लिए की टीम और मेरे ये आर्टिस्ट अनुभव को भी ले आ सकते हो। डेफिनेटली, लेकिन जीत और प्रीतम जो है वो आजकल तेरे लिए के बैकग्राउंड म्यूजिक में लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी के लोग? और बाकी सबको फोन करके मैं पूछ लूंगा। हाँ, जो भी अवेलेबल हो, वी मस्ट हैव दिस गेट टुगेदर। डेफिनेटली, बट मिलेंगे कहाँ? हाउ अबाउट क्लब एक्वेरिया, वहाँ का मेंबर हूँ मैं। मतलब शानदार जगह और शानदार गेट टुगेदर। डेफिनेटली, इसका मतलब कि टीम पूरी नहीं लेकिन धमाल पूरा। आ गए आप लोग? Yes, sir. Good, good, good. I'm glad. Hey, Vic. Hey. Oh, hi, Dad. Hi, how are you? Good. Hi, sir. एक मिनट, एक मिनट. भाई देखो, अब साथ में काम करने वाले हैं तो ये सर्वर नहीं चलेगा. क्यों? Of course, sir. I mean, Nimesh. Sir, ये है अनुभव, मेरा दोस्त. इसके बारे में तो. Of course, keyboards. Visual sense. Amazing. Yeah. And the lady? Ritu. She's a journalist. Oh, a journalist. Very good. That means you guys make an amazing gang. तो इस amazing gang से भी मिल लो। हितेन से तो आप लोग मिल चुके हैं, नहीं आप नहीं मिले। ये तो हितेन, विकी से आप मिले, अनुभव, and this here सोनाली, hi, रितु, सोनल, विकी and अनुभव। Unfortunately, संजय the director can't make it, वो गया location hunting के लिए, बाकी के लोग busy shooting में। So, but I'm glad आप लोग आ गए। Of course, sir. तेरे लिए जैसे interesting group को मिलने हैं, हम क्यों नहीं आते? वैसे इनके चर्चे तो आप भी सुन ही चुके। बिल्कुल, हम सभी यही चाहते हैं। एंड यू नो समथिंग, इनका भी यही स्पिरिट है, इसलिए मैं चाहता था कि आप भी इन लोगों से मिल लो। पर सर, हमारे मिलने के बाद ये पार्टी बंद क्यों हो गई? आई थिंक इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। दैट्स द स्पिरिट। एज यू नो, हितेन, यू नो ही इज अ वेरी गुड सिंगर, एंड सोनल, इनकी तारीफ तो सुन ही चुके हैं, तो क्यों ना कुछ गाना बजाना हो जाए? ऑफ कोर्स सर, ये शाम तेरे लिए के नाम। Exactly. Of course, आपकी परमिशन हो। Oh, yes, 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 absolutely. आपकी फिल्म तेरे लिए का एक गाना गाते हैं। Sure. हम सब के लिए। Good idea. You guys are amazing. एक मिनट, you guys make yourself comfortable. मैं खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। Okay. अजय प्रकाश, जो यहाँ के मैनेजर हैं। So, Ritu, tell us, what do you think about the music of तेरे लिए? मैं अपना honest opinion दूँ? Come on, yeah. Absolutely. We are always open for criticisms. Well. आप लोगों से मिलने के बाद और म्यूजिक सुनने के बाद मुझे लगता है कि तेरे लिए विल बी अ सुपर डुपर हिट। वेल डन गाइस। और जी प्रीमियर के लिए मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेना चाहूंगी। इज इट ओके विद यू ऑल गाइस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वी लव गिविंग इंटरव्यूज। ग्रेट, सो लेट्स प्रे फॉर द गुड लक ऑफ आवर फिल्म। या ओके, सो सोनाली करें तेरे लिए? यस, ओके, जस्ट फॉर अस। दैट्स इट।